बेटा ही नहीं बेटी भी ए शाम के हाकिम ललकार में गुफ्तार में हैदर की तरह चाहने वालों से बात कर लेना, अली के चाहने वालों से बात कर लेना, शरफ के ऊंचे दरख्तों से बात कर लेना, तबस्सुम अली असगर से भीख ली कि नहीं, कली से फूलों से पत्तों से बात कर लेना, और कहां पे हंसना है किस बात पर, कहां पे रोना है किस बात पर मुस्कुराना है, हमारी कौम के बच्चों से बात कर लेना, कहां पे रोना है किस वक्त मुस्कुराना है, हमारी कौम के बच्चों से बात कर लेना। आइए इन्हीं मिस्रों के साए में मैं गुजारिश कर रहा हूं उस शख्सियत को दावत सुखन देने जा रहा हूं कि जिसका तारुफ इस महफिल के अलावा कुछ हो लेकिन उसका एक तारुफ है और वो है मद्दाहे अहले बैत। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम शायर अहले बैत मोहतरम सलीम जैदी टिल्लू साहब से मुल्तमिस हूँ एक बुलंदतरीन नारे सलवा सुनकर इस्तिक़बाल। सलाम अलैकुम हज़रात। सबसे पहले आप सभी को मौला हुसैन की विलादत के जश्न बहुत बहुत मुबारक। पहली बार शरफ मिल रहा है यहाँ पर आने का, कसम खुदा की सबसे पहले तो आपकी समातों को सलीम सलाम करना चाहता है, मौला सलामत रखे आप सबको। यकीन मानिएगा मैंने अनीस भाई सुना था, किसी ने कहा कि दोसीपुरा की जो महफिल है वो होती तो हिंदुस्तान में लेकिन इंटरनेशनल महफिल है। मैंने कहा वो कैसे, बोले सोशल मीडिया के ज़रिए हिंदुस्तान से बाहर भी लोग सुनते हैं। तो मेरी खुशनसीबी है कि यहाँ मुझे आने का शरफ मिला, चंद अशार पेश करूंगा, और खुशनसीबी ये भी है कि डाइस पर दीन का परचम लहराने वाले भी मौजूद हैं और देश का परचम लहराने वाले भी मौजूद हैं। मौला सलामत रखे। और आपके मिजाज से वाकिफ हमारे दोस्त फरहान ने करा दिया था, आपके मिजाज के बारे में बता दिया था कि कैसी शायरी सुनी जाती है। मैंने कहा इंशाल्लाह वैसी ही पढ़ने की कोशिश करूंगा। मैं ये भी कहता चलूं शायरी क्या होती है मैं जानता हूं नसीर भाई, लेकिन शायर मुकम्मल होने के लिए इल्म के समुंदर में गोते लगाने पड़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ना मैं नैयर हूँ ना बेताब न फकरी न नजीर, ना मैं नैयर हूं ना बेताब न फकरी न नजीर, मैं तो बस हैदर करार के दर का हूं फकीर। तो ये फकीर आया है आपकी खिदमत में आप सबकी दुआएं लेने के लिए। आगाज कर रहा हूं चार मिसरों से, एक कलाम पेश करूंगा नया, उससे पहले चारों दो चार कथे पेश कर दूं। पहला कथा पेश कर रहा हूं, तीसरे चौथे मिसरे पर पूरी तवज्जो चाहता हूं, आगे इजाजत है, मौला सलामत रखे। सुनिएगा कि एक पल में शैने हुर का मुकद्दर बना दिया, सुनिएगा मौला सलामत रखे जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है। एक पल में शैने हुर का मुकद्दर बना दिया, कतरे को शाहिदी ने समंदर बना दिया। सुनिएगा तीसरे चौथे मिसरे पर फकरी सर दुआएं चाहता हूं कि एक पल में पूरी तवज्जो, एक पल में शहने हुर का मुकद्दर बना दिया, कतरे को शाहिदी ने समंदर बना दिया, अरे बरछी कहीं अजान के सीने में लग ना जाए, शब्बीर ने सिपर दिले अकबर बना दिया। बरछी कहीं अजान के सीने में लग ना जाए, शब्बीर ने सिपर दिले अकबर बना दिया। और ये चार मिसरे भी पूरी तवज्जो चाहता हूं, शब लग चुकी है, मौला बास का जश्न भी हम मनाएंगे। चार मिसरे यहां पर से भी चाहता हूं कि कैसा सखी है और सखावत है किसका नाम,
कैसा सखी है और सखावत है किसका नाम, मंजर ये जाके बस दरे मौला पे देखिए। अब तीसरे चौथे मिसरे पर पूरी तवज्जो, कैसा सखी है और सखावत है किसका नाम, मंजर ये जाके बस दरे मौला पे देखिए। अरे चुल्लू का पानी नहर को खैरात कर दिया, दरिया दिली दिलेर की दरिया पे देखिए। दरिया दिली दिलेर की दरिया पे देखिए। और ये भी चार मिसरे मौला सलामत रखे कि अनिल भाई की, अब उसके सामने ठहरे तो कोई क्या ठहरे, अब उसके सामने ठहरे तो कोई क्या ठहरे, बगैर तेग जो लाशें गिरा दे मक्तल में। तीसरे चौथा मौला सलामत रखे आपको, कसम खुदा की यहां के दिल मुतमईन हो गया है। तीसरे चौथे मिसरे पर पूरी तवज्जो कि अब उसके सामने ठहरे तो कोई क्या ठहरे, अब उसके सामने ठहरे तो कोई क्या ठहरे, बगैर तेग जो लाशें गिरा दे मक्तल में। वफा ये बोली कि वो ही बनेगा मेरा खुदा, जो भीगे हाथ भी अपने कटा दे मक्तल में, जो भीगे हाथ भी अपने कटा दे मक्तल में। कलाम पेश करने जा रहा हूं, दुआओं से नवाजिएगा, सलावात भेजिएगा। दो मतले, दो तीन शेर और इसके बाद अपनी पसंदीदा कलाम पेश करूंगा और फिर जहमत तमाम। पूरी तवज्जो, नया कलाम है, पहली बार पढ़ रहा हूं, दुआओं से नवाजिएगा। बेहतरीन शायर यहाँ पर इकबाल सर मौजूद है, नसीर सर मौजूद है, फकरी सर सब हैं माशाल्लाह, बेहतरीन शायरी आप सुनेंगे। पूरी तवज्जो चाहता हूँ कि साइले बारगहे फकरे सुलेमान हूँ मैं, साइले बारगहे फकरे सुलेमान हूँ मैं, सब भिखारी है मेरे सामने धनवान हूँ मैं। एक मतला और पेश कर रहा हूँ और उसके बाद शेर जो है, कसम खुदा की घुटनों के बल ना सही लेकिन हाथ बुलंद करके शेर का इस्तकबाल जरूर करेंगे आप लोग। कि साइले बार गए फकरे सुलेमान हूं मैं, सब भिखारी है मेरे सामने धनवान हूं मैं, मौलूदे काबा के बाबा का सना ख्वान हूं मैं, मौलूदे काबा के बाबा का सना ख्वान हूं मैं, कुल्ले इमा की कसम साहिब ईमान हूं मैं। अब शेर पेश करने जा रहा हूं मैं, मौलूदे काबा के बाबा का सना ख्वान हूं मैं, कुल्ले इमा की कसम, कुल्ले इमा की कसम, कुल्ले इमा की कसम साहिब ईमान हूं मैं। और क्या बिगाड़ेंगे ये कुफारे सकीफा मेरा, अबू तालिब के कबीले का मुसलमान हूं मैं। बिगाड़ेंगे ये कुफारे सकीफा मेरा, अबू तालिब के कबीले का मुसलमान हूं मैं। और याद है अनीस भाई सुनिएगा, याद है अपने इमामों के सभी नाम मुझे, याद है, याद है, याद है अपने इमामों के सभी नाम मुझे, इसका मतलब ये हुआ हाफिज कुरान हूं मैं। याद है अपने इमामों के सभी नाम मुझे, इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ साहिब ईमान हूं मैं। और कभी है इस्मत अब्बास पे बहसे तो तबर्रुक पे कभी, कभी है इस्मत अब्बास पे बहसे तो तबर्रुक पे कभी, गैर तो गैर है अपनों से परेशान हूं मैं, गैर तो गैर है अपनों से परेशान हूं मैं। और शेर पेश कर रहा हूं, मौला सलामत रखे, दुआओं से नवाजिएगा। कि आया हूं महफिल शब्बीर में शिरकत के लिए, आया हूं महफिल शब्बीर में शिरकत के लिए, यानी शहजादी कौनैन का मेहमान हूं मैं। जी मौला सलाम, अली मौला, आया हूं महफिल शब्बीर में शिरकत के लिए, यानी शहजादी कौनैन का मेहमान हूं मैं। और मैं तबर्राई हूं, लोग मुझे कहते हैं सलीम, मैं तबर्राई हूं, लोग मुझे कहते हैं सलीम,
छुपे चोरी न समझना अलल ऐलान हूं मैं, छुपे चोरी न समझना अलल ऐलान हूं मैं। एक मतलब दो तीन शेर और सुनिएगा, सलावत भेजिएगा, मौला सलामत रखे भाई, बुलंद तरीन सलावत। ताज सर यहां पर आ चुके हैं, बुलंद तरीन सलावत से इस्तकबाल करें मत। देखिए एक मतलब किरमानी सर सुनिएगा, ये मेरी जिंदगी का पसंदीदा कलाम है, दुआओं से नवाजिएगा कि जिसमें गमे हुसैन ना इश्क़े इमाम है, जिसमें गमे हुसैन ना इश्क़े इमाम है, उस जिंदगी को दूर से मेरा सलाम है। शेर पेश कर रहा हूं, जिसमें गमे हुसैन ना इश्क़े इमाम है, उस जिंदगी को दूर से मेरा सलाम है, और करते नहीं जो साकी कौसर का एहतराम, पानी भी उनके हाथ का पीना हराम है। अपनी बिल्कुल पढ़ूंगा बिल्कुल, इसके बाद जो है मैं इसके बाद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शेर पेश करने जा रहा हूं। देखिए कसम खुदा की वहां तक सब लोग हैं, दाद वहां तक चाहिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शेर कि जिसमें गमे हुसैन ना इश्के इमाम है। शेर पेश करने जा रहा हूं पूरी तवज्जो कि जिसमें पूरी तवज्जो कि जिसमें पूरी तवज्जो कि जिसमें गमे हुसैन ना इश्के इमाम है, उस जिंदगी को दूर से मेरा सलाम है। करते नहीं जो साकी कौसर का एहतराम, करते नहीं जो साकी कौसर का एहतराम, पानी भी उनके हाथ का पीना हराम है। शेर पेश करने जा रहा हूं, पानी भी उनके हाथ का पीना हराम है। शियों को अपने भेजा था मौला ने जो सलाम, ये मातम है हुसैन जवाब सलाम है। सलामत रखे, जिंदाबाद अमीरगंज, शामिलगंज, अलीगंज, अली मौला, जिसमें गमे हुसैन ने इश्क़े इमाम है, उस जिंदगी को दूर से मेरा सलाम है। करते नहीं जो साकी कौसर का एहतराम, पानी भी उनके हाथ का पीना हराम है। शियों को अपने भेजा था मौला ने जो सलाम, ये मातम है हुसैन जवाबे सलाम है। और इस शेर पे भी पूरी तवज्जो चाहूंगा कि यूं चल रही है खुतबाए ज़ैनब की ज़ुल्फ़िकार, कसरे सितम में चारों तरफ कत्लेआम है। अगले शेर में सवालिया निशान मैं लगा रहा हूं, जवाब आप खुद तलाश करिएगा। जिसमें गमे हुसैन ना इश्के इमाम है, उस जिंदगी को दूर से मेरा सलाम है। करते नहीं जो साकी कौसर का एहतराम, पानी भी उनके हाथ का पीना हराम है। शियों को अपने भेजा था मौला ने जो सलाम, ये मातम है हुसैन जवाबे सलाम है। यूं चल रही है खुतबाए ज़ैनब की ज़ुल्फ़िकार, कसरे सितम में चारों तरफ कत्लेआम है। कातिल के घर में भाई का मातम बपा किया, कातिल के घर में भाई का मातम बपा किया, बीबी ये इनकलाब है या इंतकाम है।
अली 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 मौला सलामत रखे आप सबको। मौला सलामत। कातिल के घर में भाई का मातम बपा किया। बीबी ये इनकलाब है या इंतकाम है? और मौला मौला सलीम पूछ रहा है बसद अदब, क्या आपके गुलामों में उसका भी नाम है? हलीम मौला जी, क्या कह रहे थे आप क्यों परेशान है अपनों से? ऐसा क्या कर दिया अपनों ने आपके लिए कि मुनाफिक की पतंगे सब कटेंगी, मुनाफिक की पतंगे सब कटेंगी। मैं कहकर याली जब ढील दूंगा, मुनाफिक की पतंगे सब कटेंगी, मैं कहकर याली जब ढील दूंगा, और जो अहले बैत के दुश्मन पर लानत ना भेजेगा तो गुर्दे छील दूंगा। हाँ, आपका शेर जो था वो कि कभी है इस्मत अब्बास पर बहसे तो तबर्रुक पे कभी, कभी है इस्मत अब्बास पे बहसे तो तबर्रुक पे कभी। गैर तो गैर है, अपनों से परेशान हूं मैं। एक मतलब दो तीन शेर और देख लिया, आपकी जहमत तमाम। दुआएं चाहता हूं सरकार, मैं यहां दुआएं लेने आया हूं, और वो दुआएं चाहता हूं वो चाहे पैसों की शक्ल में ना हो, वो दुआएं चाहता हूं जो दुनिया में काम ना आए लेकिन आखिरत में जरूर काम आए, वो दुआएं चाहता हूं। और मैं बहुत खुश हूं अनीस भाई से जिन्होंने मेरा तारुफ कराया। मैं चाहता हूं कि ऐसे ही तारुफ कराया जाए। ये स्टेज मेरे मौला हुसैन का है। सलीम जैदी को अगर कोई पहचाने तो सिर्फ इससे पहचाने कि गुलामों के गुलामों का गुलाम है। मेरे लिए यही काफी है। आपकी जूतियां सीधी करना मेरा काम है। सलावात भेजिएगा आप लोग। एक मतलब दो चार शेर मौला अब्बास की शान में, पूरी तवज्जो। हक यह है कि तन्हा तू 72 की तरह है। सुनिएगा रईस भाई, हक यह है कि ताज भाई, हक यह है कि तन्हा तू 72 की तरह है, अब्बास तेरा नाम ही लश्कर की तरह है। शेर पेश करने जा रहा हूं। हक यह है कि तन्हा तू 72 की तरह है, अब्बास तेरा नाम ही लश्कर की तरह है। दरिया पे शहर सकता नहीं शाम का लश्कर, नजरों का इशारा भी तो नश्तर की तरह है। मौला सलामत रखे। हक यह है कि तन्हा तू बात, शेर पेश कर रहा हूं। हक यह है कि तन्हा तू 72 की तरह है, अब्बास तेरा नाम ही लश्कर की तरह है। दरिया पे ठहर सकता नहीं शाम का लश्कर, नजरों का इशारा भी तो नश्तर की तरह है। हैदर का पिसर चाहे तो नजरों पे उठा ले, 2 लाख का लश्कर दरे खैबर की तरह है। मौला सलामत रखे। अली मौला, शेर पेश करने जा रहा हूं, आखिरी शेर है ये, उसके बाद मक्ता। पूरी तवज्जो, पूरी आंखें जितनी मौला की चाहने वाले हैं ये सब मेरी तरफ। ये शेर आखिरी शेर है, उसके बाद मक्ता। कि शेर पूरी तवज्जो, हक यह है कि तन्हा तू 72 की तरह है, अब्बास तेरा नाम ही लश्कर की तरह है। दरिया पे ठहर सकता नहीं शाम का लश्कर, नजरों का इशारा भी तो नश्तर की तरह है। हैदर का पिसर चाहे तो नजरों पे उठा ले, 2 लाख का लश्कर दरे खैबर की तरह है। बेटा ही नहीं बेटी भी ऐ शाम के हाकिम, ललकार में गुफ्तार में हैदर की तरह।
अली मौला। हक यह है कि तन्हा तो 72 की तरह है, अब्बास तेरा नाम ही लश्कर की तरह है, दरिया पे ठहर सकता नहीं शाम का लश्कर, नजरों का इशारा भी तो नश्तर की तरह है, हैदर कभी सर चाहे तो नजरों पे उठा ले, 2 लाख का लश्कर दरे खैबर की तरह है, बेटा ही नहीं बेटी भी ऐ शाम के हाकिम ललकार में गुफ्तार में हैदर की तरह है। और दुनिया से सलीम आज कहो ढूंढ के लाए, दुनिया से सलीम आज कहो ढूंढ के लाए, क्या कोई शहदी के बरादर की तरह है।